हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु महिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 18th ऑफ अगस्त से लेके 24th ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर टॉरस। टू ऑफ स्पेल्स, The Huntsman, The Folly, Child of Visions, Six of Challenges and the Oldest One. Okay. तो हमारे पास है The Folly. The Folly के साथ लगता है जो कुछ भी आप सोच रहे थे या सुनने का आपको इंतज़ार था वो सब अचानक ही आपके सामने आ जाएगा बजाय एक एक करके आने के। ये पर्सन बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ आपसे जाहिर करेगा एंड आपको लगेगा कि ये सब तो बहुत ज़्यादा है हैंडल करने के लिए। लाइक ये पर्सन बार बार आपको फ़ोन कर सकता है, टेक्स्ट कर सकता है और एक साथ कई सारी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी के आपके सामने रख के आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। ओके एक तरफ तो ये पर्सन आपको बहुत लविंग और केयरिंग लगेगा, एक तरफ लगेगा कि शायद आपको कुछ वेट करना चाहिए क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में और बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, बहुत इम्पेशेंट है और बहुत इमेच्योर है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ फील होंगी और बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में एक साथ चलने लगेंगे इस पर्सन की वजह से। द हंट्समैन के साथ आप जिससे डील कर रहे हैं, ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, माहिर खिलाड़ी समझता है लव का। इनफैक्ट यू कहूँ कि समझता है कि जिसको भी वो चूज़ करे वो उनका हो जाएगा या जिसके भी सामने वो अपनी फीलिंग्स रखे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो इस पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हो सकती है। ओके वो कुछ कहेंगे और आप एकदम से उसके लिए राज़ी हो जाएंगे, वो एकदम से इस रिलेशनशिप को किसी और लेवल पे ले जाना चाहेंगे और आप बिना सोचे समझे यस कह देंगे। ये ऐसा ही है जैसे कि एक घंटे में ही सारे डिसीजन ले लो। और इस पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत होगी। ओके टू ऑफ स्पेल्स के साथ शायद आप बहुत दिनों से वर्क कर रहे थे इस रिलेशनशिप पे कि कब ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स जाहिर करेगा, कब जाके ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा। तो टॉरस वो हो रहा है जो आप चाहते थे, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बट देन एक साथ ही सारी चीज़ें करना चाहेगा जैसे कि एक ही दिन में आपसे सारी बातें डिस्कस कर लेगा, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन है कौन नहीं और वो आगे के बारे में भी आपसे बात कर सकते हैं, मतलब शादी के बारे में। डायरेक्टली ना भी करें तो ऐसे बात करेंगे जैसे वो आपको और ख़ुद को साथ में इमेजिन कर रहे हैं, जैसे कि कोई टॉपिक सामने आए आपके। हो सकता है ऐसा कुछ हो कि वो किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं और आपको भी पसंद है, तो ये पर्सन आपसे कहेगा कि हम साथ में इस जगह पे वेकेशन पे जाएंगे या हम साथ में ये काम करेंगे। एंड आप सोचेंगे कि ओह ये पर्सन तो बहुत आगे बढ़ गया या बहुत आगे निकल गया अपने इमेजिनेशन में। आप अचानक से ही ये फील करेंगे कि ये पर्सन किस लेवल तक पहुंच गया और कहां तक सोच रहा है। ओके तो बहुत बचते बचते भी ये पर्सन सब कुछ जाहिर कर ही देगा क्योंकि अब इनकी जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती बाहर आने के लिए। चाइल्ड ऑफ विजन्स के साथ टॉरस, इस पर्सन के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये पर्सन आपको स्माइल करता हुआ देखना पसंद करता है, इन्हें आपकी प्लेफुलनेस पसंद है, इन्हें आपका बचपना पसंद है, जब भी आप खुश होते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इन्हें आपके बारे में एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करना, जैसे कि एक अच्छा वेदर ही क्यों ना हो। और इस पर्सन को पता है कि आप नेचर को बहुत इन्जॉय करते हैं, इस पर्सन को पता है कि आपका सर्कल बहुत छोटा है यानी आप बहुत कम लोगों को ट्रस्ट करते हैं और सिर्फ जेन्युइन लोग ही आपके टच में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद है आपके बारे में,
हालांकि सिक्स ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है यहाँ पे टॉरस, तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको हर्ट करे बातों बातों में। ये कुछ ऐसा बता सकते हैं अपने बारे में जिससे हो सकता है कि आपको हर्ट हो, अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, या कुछ ऐसा इनके फैमिली में हो या बैकग्राउंड में हो जिसे सुन के आपको लगे कि शायद ये रिलेशनशिप वर्क ना करे या इसका वर्क करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक बहुत अजीब फीलिंग हो सकती है। एक पल को आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे हैं, रोमांस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, और ये पर्सन भी अपनी मन की फीलिंग्स आपसे जाहिर कर रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो हैं। फिर बातों बातों में कोई बात आप ऐसी सुनते हैं जिससे आपको लगता है कि इसके वजह से तो ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप हर्ट फील कर सकते हैं। वैसे ये हर्ट किसी पास्ट की चीज़ के बारे में भी हो सकता है जो इस पर्सन ने किया हो, कोई ऐसा काम जिससे आप बहुत हर्ट हुए थे, एंड उससे हील करना अभी भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आप पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, आपको वक्त चाहिए। इस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री ऑफ विजन्स, एट ऑफ स्पेल्स, फोर ऑफ बूम्स एंड नाइन ऑफ स्पेल्स। तो हमारे पास है द ओल्डेस्ट वन। द ओल्डेस्ट वन के साथ इस पर्सन को कोई एडवाइस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है रिलेशनशिप के बारे में, एडवाइस दे रहा है आप दोनों के आने वाले फ्यूचर के बारे में। और ये पर्सन लगता है कि कुछ सीखना चाहता है। अब इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे जब बात आती है लव एंड रोमांस की। तो ये पर्सन जहाँ से भी हो सकता है वहाँ से गाइडेंस ले रहा है टॉरस, मगर ये गाइडेंस कुछ खास असर नहीं करने वाला, क्योंकि ये 10 लोग की दी हुई गाइडेंस को एक साथ मिला के आपके सामने रख देंगे और आप हो जाएंगे कंफ्यूज्ड। थ्री ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता रहा है, एंड ये फ्रेंड्स इन्हें काफ़ी पॉजिटिव एडवाइस भी दे रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन आपको अपने फ्रेंड सर्कल से भी मिलवाना चाहे, और आपको लगेगा कि बहुत जल्द चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एट ऑफ स्पेल्स के साथ टॉरस, जो भी आप चाहते थे वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहा है। वैसे एट ऑफ स्पेल्स पैसों का भी कार्ड है, तो वैसे तो ये लव रीडिंग है, मगर शायद इस वीक में, इस बार में भी आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी नए प्रोजेक्ट या नए जॉब को करने के बारे में सोच रहा हो, उसकी न्यूज़ ही आपको दें, और आपको लगेगा कि आप शायद एक ऐसे पर्सन के साथ है जो अपने फ्यूचर को सीरियसली ले सकता है और स्टेबल है, स्टेबिलिटी है जिसके पास। ओके, ये कहीं से भी सोचना गलत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रीडी हैं। फोर ऑफ बूम्स के साथ हालांकि आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि शायद आप ऐसा कर रहे हैं या आप सेल्फिश हो रहे हैं ये सोच के कि जो भी इस पर्सन के पास है वो आप इनके साथ शेयर करेंगे। तो इसको इस तरीके से मत देखिए, जो आपके पास है आप वो भी इस पर्सन के साथ शेयर करेंगे। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बुरी है या जिसके लिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। मतलब इस पॉइंट पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, और इसके बारे में सोचना कोई बुरा नहीं है। नाइन ऑफ स्पेल्स के साथ आपको ज़रूरत महसूस होगी हालांकि कुछ बाउंड्री ड्रॉ करने की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अपनी फीलिंग्स को लेके, उनकी फीलिंग्स को लेके, तो ज़रूरी होगा यहाँ पे रुक के थोड़ा ठहरना, और रुक के थोड़ा सोचना, सॉरी रुकना ठहरना तो एक ही बात है, तो रुक के थोड़ा सोचना ज़रूरी होगा। और यहाँ पे कुछ वक्त लेके क्लियरली आगे बढ़ने के लिए आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए और एक मैसेज क्या है। ड्रॉट,
तो ड्रॉट के कार्ड के साथ शायद आप बहुत ज्यादा लैक ऑफ अटेंशन फील कर रहे थे। टॉरस, आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपकी तरफ अटेंशन ही नहीं दे रहा है, जबकि आपके मन में इनके लिए इतना प्यार है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप जहाँ खड़े हैं ना, उसके नीचे ही वो वाटर है जिसको आप खोज रहे हैं। वाटर मतलब इमोशन, लव। तो थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है और आपको मिल जाएगा वो वाटर। हालांकि आप कोशिश कर चुके हैं, तो अब आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट कीजिए, चीज़ें आप तक बस खुद ब खुद चली आएंगी। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।